हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ फोर आर्म्स चौड़ा करने का तरीका। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होने वाली है गाइस। तो गाइस, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। बट गाइस, फोर आर्म्स जो होते हैं ना हमारे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बोले तो शर्ट को हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पर शर्ट फंस जाती है, और फोर आर्म्स चौड़े होना काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में सबसे अलग ही दिख जाते हैं। तो गाइस, इन्हें चौड़ा करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस देखिए, पुशअप्स तो हमारे नॉर्मली हर एक्सरसाइज में आते हैं। तो गाइस, मैंने तो लगा लिया पुशअप्स, आप भी पुशअप्स लगा लीजिए। तो गाइस, मैं बताने वाला हूँ फोर आर्म्स चौड़ा करने का तरीका। गाइस, ये रहे हमारे फोर आर्म्स, ये इसको चौड़ा करने का तरीका बताने वाला हूँ। कुछ लोगों की कलाई बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसकी वजह से शर्ट यहाँ पर रुक नहीं पाती है, या टी शर्ट आती है बार बार नीचे चली जाती है। ये टी शर्ट इस तरीके रुकना काफ़ी अच्छी बात होती है। मैं इसको चौड़ा करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ और इसमें किस तरीके से आने वाला है, ये देख सकते हैं। फोर आर्म्स चौड़ा करने का तरीका आपको अभी बताने वाला हूँ, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिएगा, इस पहले एक्सरसाइज हम करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हमें पड़ने वाली एक ईंट की जरूरत। ईंट ना तो कोई भी भारी चीज़ हमारे पास होना चाहिए जिससे हम एक्सरसाइज कर सकें। हमको ये लेना है इस तरीके से, हमको ये एक्सरसाइज करनी है। ये देख सकते हैं आप, ये इसको ऐसे कर, ये आप देख ही रहे हैं, नस हिल रही हैं। और ये इसके हमें कम से कम 30 रेपिटेशन लगानी है, 30-30 के हमको 4 सेट इसके लगाने। और ये हमारे काफ़ी फोर आर्म्स चौड़े करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करेगा और ये काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे हमको। इस तरीके से इसके हमको 30-30 के 4 सेट लगाने हैं गाइस, जिससे हमारे फोर आर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा असर आएगा। आपको दिख ही रहे हैं फोर आर्म्स, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा बेटरफुल रहेगा हमारा, इसको चौड़ा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक देगा। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज तो आपको समझ में आई गई होगी गाइस, और मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ अभी। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आपको। ये आपको इस तरीके से, आप ईंट भी ले सकते हैं, आपके पास ईंट हो तो आपको ये इस तरीके से करनी है। इसको नीचे किया, इस तरीके से करनी, आपको इसके भी 30 रेपिटेशन के 4 सेट लगाने। और ध्यान रहे कि एक्सरसाइज ठीक से करें और वीडियो को पूरा बात कर लीजिएगा गाइस। ये आप देख ही सकते हैं कि फोर आर्म्स आपको दिख ही रहा होगा। आपको इसी तरीके से इसके सेट लगा रहे हैं गाइस। तो आप देख ही सकते हैं, ये इतना टाइट हो जाता है, इसमें उंगली तक नहीं जाती है फोर आर्म्स में। ठीक है, इसको आपको इसी तरीके से करना है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है ना गाइस, इसको इसी तरीके से लगाना एक्सरसाइज। और मैं आपको लास्ट वाली बताने वाला हूँ गाइस, आप वीडियो पे बने रहिएगा बस। तो गाइस, ये रही आपकी तीसरी एक्सरसाइज गाइस। अब मैं आपको इस वाली एक्सरसाइज में एक ईंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये क्योंकि ये सिंगल हैंड से करनी है हमको। ये एक सिंगल ईंट ली, इस तरीके से किया, ये हमें सिंगल ईंट की ज़रूरत पड़ने वाली। देख सकते हैं आप, फोर आर्म्स आपको दिख ही रहा होगा। ये इसके भी हमें 30-30 की रेपिटेशन के 4 सेट हमको लगाने हैं। और ये एक्सरसाइज आपको करनी है सिंगल हैंड से, क्योंकि इसमें ईंट की ज़रूरत पड़ने वाली, सिंगल हैंड से ही आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और गाइस, इसमें मैं एक एक्सरसाइज ऐड करने की और बताऊंगा आपको, जब तक आप देख ही सकते हैं फोर आर्म्स आपको दिख ही रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप कितना चौड़ा है। ये इस तरीके से आपको मैं एक एक्सरसाइज और इसमें ऐड करने के लिए बताने वाला हूँ गाइस। इसमें ऐड करने के लिए आपको 2 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 ईंट ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको ईंट इस तरीके से घुमानी है दोनों, आप ये देख सकते हैं, ये आपको घुमानी है। आप देख सकते हैं, इससे सारी नसें आपको दिखी जाएंगी। ये आपको इस तरीके से घुमानी है, ठीक है ना, आराम आराम से आपको ये घुमानी है। तो आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख ही जाएगा, वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा फोर आर्म्स। तो आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस। थैंक यू सो मच।